हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विलेन मेकर सेल्फ यूनिक। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों लिया है, तो ये इसलिए लिया है कि मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक ऐसी बेहतरीन बुक का जो कि इंटरनेट पर बहुत कम अवेलेबल होती है। पता नहीं इस समय अवेलेबल है कि नहीं, जाके चेक कर लेना। और उस बुक की खासियत ये है कि आप अगर डिजाइन में हो या फिर BIM में हो, आपको साइट की छोटी से छोटी बारीकी भी समझनी है और आप के पास टाइम नहीं कि अब आप जाके साइट पर अपना टाइम बर्बाद करो, तो आप क्या कर सकते हो, इस बुक को पढ़ने के बाद इजली आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ओके काम कैसे करना है, लाइनिंग वर्क होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पूरा स्टेप से बताया हुआ कि साइट पूरी कैसे कंप्लीट करते हैं। बुक देखना है, चलो। मेरे पास वो नहीं था यार, कैची कुछ नहीं था, तो मैंने इसको ले लिया। यो, अरे वाह, इजली हो गया। तो ये है दोस्तों, थोड़ा सरप्राइज रखता हूँ। हाँ, बड़ी अच्छी बुक है और अभी ना ये अपडेट हो गया ये बुक, तो अच्छी चीज़ है कि जो अपडेट है अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं जल्दी ही अपडेट क्या है उसमें वो भी बता दूंगा आपको। वैसे अपडेट में कुछ ना कुछ अलग रहेगा क्योंकि बहुत दिन से बुक आ नहीं रही थी। ओ सर, चाकू की जरूरत ही नहीं, यहाँ रख देता हूँ इधर। ओह क्या पैकिंग है भाई, पैकिंग भी बुक है और बुक बहुत शानदार है। मतलब मैंने पढ़ा है इसका ओल्ड वर्जन, बट ये नया वर्जन तो बहुत ही शानदार है ऐसा मुझे लोगों ने बोला, इसलिए मैंने ऑर्डर किया, क्लास में ऑर्डर कर लिया था। ये बुक है A to Z प्रैक्टिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, संदीप मंत्री सर का बुक है। मैं कोई बुक स्पॉन्सर तो नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छी लगी पढ़ने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग पूछते हो ना कि सर साइट पर जाके पहले नॉलेज लूँ क्या, भाई कोई जरूरत नहीं है, सर जी ने बड़ा मेहनत कर दिया आपके लिए। थोड़ी कॉस्टली बुक है ये, तो इसलिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लेना, लेकिन अगर ले लेते हो तो आपका काम काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये है बुक, फोटो खिंचवा लूँ क्या? तो ये बुक में सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि सच में इन्होंने जो A to Z बोला है, एक्चुअल में ये A to Z है। कैसे A to Z है ये, मैं बुक का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं वो लिंक दे दूंगा। तो ये जो बुक है इसका एक खासियत क्या है कि कैसे वर्क स्टार्ट करना है वहाँ से ये बुक है, और कहाँ तक कंप्लीट होगा वो पूरा नया, थोड़ा अभी कवर ओवर नया कर दिया भाई, लग रहा है अच्छा हो गया। 8th एडिशन है ये, जस्ट अभी आया है रिसेंटली। ये सर जी हैं जिन्होंने ये छापा हुआ है। तो मेरे को बुक ना पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मैं इसका फ़ैन हो गया था। अब देखिए क्यों फ़ैन हो गया था, उसका मैं थोड़ा सा रीज़न आपको बता देता हूँ। थोड़ा अजीब लगेगा, मैं अनबॉक्सिंग करता नहीं हूँ, तो जस्ट ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन पहला है, दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट, साइट सेटअप, डे टू डे वर्किंग क्या क्या वर्क करते हैं, गाइडलाइन ऑफ स्टार्ट न्यू साइट, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसल्टेंट, ड्राइंग एंड इट्स डिटेल, कैसे ड्राइंग बनाएंगे, ये सब कंटेंट है इसमें सीरीज से। और उसके बाद मटेरियल नो हाउ ये यूजफुल है कि नहीं, उसके बाद क्वालिटी टेस्टिंग कर लो उसकी, स्टोर कीपिंग के लिए क्या अरेंजमेंट किए हो, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन कौन कौन सा यूज करोगे, एग्रीमेंट क्या क्या करना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसके साथ पीरियोडिक बिलिंग्स, कब कौन सा बिल लेना है, कौन से बिल को कब पास करना है, ये भी इसके अंदर, PCC वर्क, उसके बाद RCC वर्क, उसके बाद कंक्रीट ब्लॉक कैसे बनाएंगे, मेजनरी वर्क कैसे करेंगे, डोर विंडो कैसे लगाएंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लास्टरिंग कैसे करेंगे, वाटर प्रूफिंग कैसे करेंगे, यहाँ से लेके प्लम्बिंग कैसे करेंगे, प्लम्बिंग के बाद फ्लोरिंग एंड टाइलिंग कैसे लगाएंगे, फिर फ्लोर डोर कैसे लगाएंगे, एल्युमिनियम विंडो कैसे लगाएंगे, इलेक्ट्रिक वर्क कैसे करेंगे, ग्लास एंड ग्लेजिंग कैसे करेंगे, पेंटिंग कैसे करेंगे, एलिवेटर कैसे करेंगे, फायर फाइटिंग कैसे करेंगे, रोड वर्क, डेवलपमेंट वर्क, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, हाई राइज बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स, सोलर पावर एनर्जी, गैस सप्लाई कैसे दिखाएंगे उसमें लगाएंगे, इन्वायरमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रियल इस्टेट, एक्स्ट्रा एमिनिटीज क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रोसेसन चेक लिस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोसेसन एंड ब्राउजर एंड बिल्डिंग अप्रूवल्स, बिल्डिंग एंड सॉरी मार्केटिंग एंड सेल्स, और उसके बाद IS 900 एंड IS 1400 यूनिट मेजरमेंट, सब कुछ, इतना सब कुछ इसके कंटेंट में है। और तो नहीं है, आई थिंक तो सब तो हो गया। हाँ सब हो गया, बाकी ये डिटेल कंटेंट है ये तो नहीं पढ़ पाऊँगा, बहुत जल्दी पढ़ इसलिए दिया क्योंकि जिससे कि आप पूरा वीडियो देखो, तो इसमें ये पूरा क्या है डिटेल ड्राइंग है। अब डिटेल कंटेंट में नहीं पढ़ूंगा, आप सिर्फ मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ लेना। इस बुक की प्राइस आई थिंक 1200 समथिंग का था, एक मिनट बताता हूँ, मैंने तो ऑनलाइन लिया था मैंने, तो इसलिए पता नहीं चला कुछ, या 1250 1250 रुपये का बुक है, और आई थिंक इसका 100 रुपीज़ वो भी लेते हैं ले आने का, तो देख लेना थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा,
बट इसमें ये चीज मैंने देखा कि ए टू जेड सच में पूरा काम बताया हुआ है, तो इसलिए मुझे बुक अच्छी लगी। बहुत दिन से मैं ये बुक पे वीडियो बनाना चाह रहा था बट बुक मिल ही नहीं रही थी, तो अभी पता नहीं अभी भी लेफ्टी होगी मे बी, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर बुक अवेलेबल है तो आप खरीद लीजिएगा। आपको आप अपना खुद का साइड स्टार्ट करना चाह रहे हो, खुद का वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हो, डिजाइनिंग आती है साइड का वर्क नहीं आता है, भाई साहब राम बाड़ा ही है, ठीक है। आपको पूरा डिजाइन को जो साइड का वर्क है वो कर देगा, ठीक है। मुझे अपनी बुक का प्रमोशन करना चाहिए बट मैं दूसरे बुक को बता रहा हूँ क्योंकि सच में अच्छी है, तो बुक की बात नहीं है, सबसे अच्छी चीज आपके लिए जो अच्छा वो मुझे बताना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में, तो अब आपको डिपेंड करता है, आपको सीखना है साइड का पूरा वर्क तो जाके इसको फटाफट खरीद लीजिए। और साथ ही साथ आपको अपने डोमेन से रिलेटेड और कौन सी जानकारी चाहिए, क्या आप चाहते हो कि मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताऊं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैं खुद भी अपने साइड लेता हूं, साइड लेकर वो हाउसेस बनाता हूं, बना के सप्लाई करता हूं, तो कैसे करता हूं, क्या करता हूं उसके बारे में आपको जानना है क्या, कैसे रेट लगाता हूं ये जानना है क्या, तो क्वेश्चन करो यार, कमेंट करोगे तभी तो मैं बताऊंगा ना, मैं उन्हीं सब में ज़्यादा बिजी रहता हूँ इसलिए आपके साथ कम मिल पाता हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मुझे लगेगा ठीक है आपको चाहिए ना, तो मैं आता हूँ। तो इस तरीके से हमारी मुलाकात होती रहेगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।